इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। थोड़ी देर में लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट सामने आने लगेंगे। फाइनल नतीजे आने में थोड़ी देर हो सकती है। जैसे कि चुनाव आयोग पहले ही घोषित कर चुका है, चुनाव आयोग ने उम्मीद जताई है कि मतगणना के फाइनल नतीजे आने में रात 10 बजे तक का या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। हालांकि रिजल्ट थोड़ी देर में सामने आने लगेंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीट से शुरुआती आंकड़े आने लगे हैं। यहां अखिलेश यादव ने बढ़त बना रखी है और भोजपुरी स्टार निरहुआ पीछे चल रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पहले चक्र की मतगणना पूरी हो चुकी है। पहले चक्र की गिनती के बाद आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव करीब 7,997 वोट से बीजेपी के निरहुआ से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ सीट सपा का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि यह यादव बहुल्य इलाका है। 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भी मुलायम सिंह यादव इस सीट को बचाने में कामयाब रहे थे। इस बार अखिलेश अपने पिता की जगह इस सीट से मैदान में उतरे हैं और जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं बीजेपी ने निरहुआ को मैदान में उतार कर स्टारडम का दाव खेला है। इसके अलावा निरहुआ तो मुलायम सिंह यादव का सपना देखना भी शुरू कर चुके थे। अब तो ये आने वाले रिजल्ट में ही पता लगेगा कि आजमगढ़ से कौन बाजी मारेगा। LD न्यूज़ रूम से दीपक की रिपोर्ट।